सदर थाने का मुकदमा है, उसमें कंवर आराम गैणा करके एक युवक था जिसको कुछ लोगों ने परेशान किया, जिसकी वजह से उसको सुसाइड करना पड़ा और उसने सुसाइड नोट लिखा है। सुसाइड नोट के अंदर उन मुलजिमों के बाकायदा नाम लिखे गए हैं कि इन्होंने मेरे को परेशान किया। तो उस संबंध में कॉल डिटेल वगैरह निकाल करके और सबूत इकट्ठा करके सदर थाना HSO को चालान पेश करना था। आज महीने भर से ज़्यादा हो गया, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ठंडे बस्ते में रखा हुआ है। जो भी दोषी है उनके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई करके और इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, इस संबंध में आज हम लोग SP साहब से मिले हैं और SP साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्दी इस पर ठोस कार्रवाई की जाएगी और बिल्कुल जो भी गलती की है अपराधी है उनके खिलाफ में चालान पेश किया जाएगा। क्या लिखा था सुसाइड नोट में, क्या नाम, किस किस के नाम थे? सुसाइड नोट में एक काका बुड्ढा का एक कोई साड़ा है उसका नाम था और एक कोई दूर का साधु था उसका रिश्तेदार, तो इन लोगों ने कोई उसको ब्लैकमेल भी किया है और इस तरह का परेशान किया है जिसकी वजह से उसको तंग आकर के सुसाइड करना पड़ा। किस बात को लेकर ब्लैकमेल किया, कुछ सामने आया कुछ थोड़ा बहुत? अब उनके कोई शायद मोबाइल में कुछ उसके पास में होगा, कोई कॉल डिटेल होगी या कोई रील होगी या और कुछ होगा, तो वो तो तफ्तीश पे वो तो डाटा पुलिस ही पूरा इंक्वायरी करके निकाल सकती है कि कुल मिला के था क्या, क्यों सुसाइड करना पड़ा, उसके पीछे मैटर क्या था, पूरा डिटेल पुलिस को खुलासा करना चाहिए इस संबंध के, पूरी जांच करके तय तक मामले में जा करके। सुनने में ये भी आया कि कौरा राम ने जो है सुसाइड नोट से पहले अपने मोबाइल पे स्टेटस लगाया था, क्या किसी ने कोई स्टेटस देखा नहीं था या फिर रात के टाइम में दिखाते हैं पता नहीं चलता है फिर वो कहाँ है और जान पहचान वाले के पास में वो मैसेज नहीं जाता है तब तक के लिए तो घटना हो जाती है, उसके बाद में देखने से तो कोई मतलब नहीं है। पहले सचेत हो जावे तो उसको बचाया जा सकता था, लेकिन पहले किसी की जानकार के नज़रों में वो चढ़ा नहीं है स्टेटस। कौरा राम किसी पार्टी से जुड़ा हुआ था, राजनीति पार्टी से या फिर? सोशल वर्कर था और RLP का वर्कर था पहले से और बाकी समाज सेवा का काम करता था, सीधा लड़का था, कोई उसके ऐसी कोई सुनी नहीं हमने। तो परिजनों की जो मुख्य मांगे थी वो क्या थी? परिजनों की यही है कि जिन्होंने तंग किया जिसकी वजह से हमारे घर से एक निर्दोष व्यक्ति चला गया, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं परिवार के अंदर और इसमें न्याय तो मिलना चाहिए कम से कम, न्याय नहीं मिलता है तो फिर क्या मतलब। समाज सरकार से यही है कि पुलिस सही कार्रवाई करे और जो भी दोषी है उनके खिलाफ में लीगल कार्रवाई करें। पुलिस द्वारा समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो आगे क्या कदम रहेगा? पुलिस अगर नहीं करेगी कार्रवाई तो आज तो हमने SP साहब को ज्ञापन दिया है, SP साहब ने हमको आश्वासन दिया है नहीं देगी तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे और जो भी तरीका प्रजातांत्रिक होगा उस हिसाब से न्याय के लिए मांग करेंगे। यही है।